गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:15 बज गए हैं। आज है महाशिवरात्रि, तो सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके जीवन में खुशियां लेके आए। हर हर महादेव। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। हर हर महादेव। यानी थोड़ी देर पहले ही उठा है, तो इसके उठने से पहले मैंने नहा लिया था, झाड़ू लगा रहा है पूरे घर में और मंदिर की क्लीनिंग भी हो गई है। घर ऐसा हुआ तो वो सब तो बाद में ठीक हो जाएगा, पहले मंदिर में क्लीनिंग कर ली है। अब मैं जा रही हूँ दियाबत्ती करने के लिए, उससे पहले मैं भी थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए और हम लोग घर के पास वाले मंदिर में जाएंगे, शिवलिंग में जल चढ़ा के आएंगे, पूजा करके आएंगे। जो मतलब वही मंदिर जहाँ पे हम लोग जाते हैं नोनी को पार्क लेके, वहीं पे। तो फटाफट से रेडी होते हैं और आज मेरा भी और हस्बैंड दोनों का ही फास्ट है, तो टिफिन नहीं बनाना है, सिर्फ नोनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मूंग की दाल भिगो के रखी थी मैंने 2-3 दिन पहले, तो वो काफ़ी एक्स्ट्रा बच गई थी, उसी के चीले बना के नोनी को खिला दूंगी। फिलहाल अभी तो वो दूध पी रहा है, तो ब्रेकफास्ट हम वहाँ से आने के बाद बनाएंगे नोनी के लिए। और मैं दियाबत्ती करती हूँ, शिव अमृत वाणी चलाई हुई है बाहर फ़ोन में मैंने। बहुत अच्छा लगता है ना व्रत त्यौहार के दिन इस तरह से भजन लगाओ और एक अलग ही कनेक्शन होता है इन चीज़ों से, बहुत पॉजिटिविटी आती है और मन बहुत खुश होता है अंदर से। तो चलिए फटाफट से पूजा करते हैं और उसके बाद वो बेल पत्ते भी लेके आने हैं, यहाँ पे पास में मिल जाते हैं शॉप में। और उसके अलावा बेर, शिवलिंग में बेर चढ़ते हैं, आज के दिन बेर खाते हैं प्रसाद में, तो वो लेके आएंगे अभी हस्बैंड। तो इसके बाद मैं जल्दी से पूजा की तैयारी शुरू करूँगी, यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग मैं और कर लूँगी अच्छे से। और जब तक नोनी को उसके पापा नहला रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने खुद भी नहाया, नोनी को रेडी किया, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की सुबह जल्दी उठ के। इस बीच मैंने मंदिर की सारी क्लीनिंग और पूजा की तैयारी कर ली थी, जो बर्तन और कलश होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से वॉश कर ली। और सबसे पहले यहाँ पर दियाबत्ती करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग रेडी होकर जाएंगे मंदिर के लिए। कर लिया हमने और अब हम जा रहे हैं मंदिर। और मैंने ना ये पिछौड़ा ले लिया है, ये बहुत ही हल्का है, लाइट वेटेड, मतलब एज अ दुपट्टा स्टॉल आप ले सकते हो। इट्स लुकिंग सच अ नाइस, हमारे कुमाऊनी प्राइड, मतलब हमारे कुमाऊं की पहचान ये पिछौड़ा। तो चलो हम लोग मंदिर जाते हैं फटाफट से। आ गए हम लोग मंदिर और अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रश नहीं है। यहाँ पे भी मिल रहे हैं फ्लावर्स, धतूरा, बेल, ये सारी चीज़ें। अभी बहुत भीड़ नहीं है मंदिर में। नानी का फेवरेट प्लेस आ गया है, नानी तेरा फेवरेट प्लेस पार्क। वाओ, डेकोरेट भी किया आज। पूजा हो गई है और अब हम जाएंगे घर को, ऑलरेडी 9:30 होने वाला है। नोनी को झूला झूलना होगा मुझे पता है। आओ घर चल रहे हैं बेटा, जल्दी जाना है, डीमार्ट जाना है। जाओ एक बार झूला दो, एक बार झूला दो, नोनी की फ्रेंड भी डीमार्ट जाएंगे फटाफट। चीबो चीबो, झूला भी नहीं झूलने दिया। नोनी का मन था झूला झूलने का लेकिन पापा को देर हो रही है ऑफिस के लिए, तो फटाफट से हम सीधा घर ही जाएंगे। घर आके सबसे पहले नोनी के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी थी और हस्बैंड को काफ़ी लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। नोनी को झूला झूलने का बहुत मन हो रहा था पार्क में लेकिन लेट हो रहा था हस्बैंड को ना, तो फिर नोनी को अकेले ला पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, घर में इतने सारे काम पड़े हुए थे, सुबह सुबह तो हो ही नहीं पाता है। तो फटाफट आके नोनी के लिए मैंने मूंग दाल का चीला बनाया लेकिन उसने चीला बिल्कुल भी नहीं खाया, वो चीला एज इट इज़ रखा था, फिर बाद में मुझे गाय के लिए देना पड़ा। वो उसने सिर्फ थोड़ी सी दही खाई और मंदिर से जो प्रसाद मिले थे फल केले वेले मिले थे, तो फिर नोनी ने वही खा लिया, लड्डू खा लिया, उन सब चीज़ों से उसका पेट भर गया था। फिलहाल वो तो नहीं खा रहा, मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी और हस्बैंड को भी चाय बना के दे दी थी, उसके बाद वो निकल गए थे ऑफिस। बजने वाले हैं और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए, उनको लेट हो रहा था, फटाफट चाय पी के वो चले गए। मैं सोची थी मखाने वगैरह फ्राई करूँगी लेकिन कुछ नहीं हो पाया, तो वो ऐसे चले गए चाय पी के। और यहाँ पे कल मैंने दही जमने के लिए रखी थी, थोड़ी सी ये और थोड़ी सी इसमें,
तो ये रायते के लिए मैं रखूँगी शाम को बनाऊँगी खीरे का रायता। कुछ दही मैंने पहले भी जमा के रखी हुई थी, तो आजकल दही मैं शॉप से नहीं लाती हूँ, हम लोग जो है घर में जमा लेते हैं। और घर में जमी हुई दही यहाँ ना अच्छी जमती है, देहरादून में पतली जमती थी लेकिन यहाँ दही अच्छी जमती है। ये दूध बॉइल कर दिया है, अभी मुझे बर्तन वॉश करने से पहले और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, घर पूरा बिखरा हुआ है। बस सुबह उठ के नहाया धोया, झाड़ू लगाया, मंदिर क्लीन किया, पूजा करी और उसके बाद फिर चले गए मंदिर। तो वहीं से हम लोग सब्जी भी लेके आए हैं, फूल गोभी और संतरे, क्योंकि छुट्टे पैसे नहीं थे ना, तो फिर छुट्टे पैसे भी चाहिए होते हैं, मंदिर जाओ तो फिर वहाँ पे दक्षिणा वगैरह चढ़ाओ, इसलिए तो फिर हमने ये ले लिया। और अब मैं काम करती हूँ, उन्होंने वहाँ पे देख रहा है राइम्स। इसके बाद मैंने किचन क्लीन किया, सारी चीज़ें समेट के रखी और उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में। यहाँ पे ये वाला बेड जो है मैं टाइडी अप करूँगी, इसकी मैंने बेडशीट चेंज की, सारे कुशन मैंने नीचे रखे थे और उन्होंने से बोला था बेटा मुझे कुशन उठा के ऊपर दे दो, वो कुशन की जगह खुद ही ऊपर आ गया कूदने के लिए। तो आजकल ना वो बेड में चढ़ना सीख गया है, स्टार्टिंग में नहीं चढ़ पाता था लेकिन अब कुछ दिनों से वो बेड में खुद ही चढ़ने लगा है। तो 12:15 बज गया है और मैं मम्मी के लिए आज बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी मुझे इतनी पसंद नहीं आती, मैं बनाती भी नहीं, आपने मुझे देखा ही नहीं होगा मुझे खिचड़ी बनाते हुए। जब नोनी छोटा था, जब 1 साल के आसपास का था, तो उस टाइम पे नोनी को रोज मैं खिचड़ी बना के खिलाया करती थी, लेकिन अभी मैं उसके लिए खिचड़ी नहीं बनाती, नॉर्मल खाना खाता है। ट्राईपॉड, नोनी का दुश्मन ट्राईपॉड, रुको बात करें तो मम्मा को। तो खिचड़ी आप जो है मैं नोनी के लिए नहीं बनाती हूँ और मुझे भी इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि होता है ना पोस्ट वही चीज़ खा के आप उग जाते हो, नोनी नहीं खा पाता था तो मैं खाती थी खिचड़ी, अब मुझे मन भर गया उससे, अब मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, तो इसलिए आज मजबूरी में बनाना पड़ेगा, क्योंकि दाल चावल में कितना सा बनाऊँ, इतना सा नोनी के लिए दाल चावल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। नोनी हमारा कैमरा मैन, देखो नोनी का न्यू कैमरा, और नोनी इसे व्लॉगिंग करेगा। इतना छोटा व्लॉगर आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा, बेबी ब्लॉगर कहेंगे इसको, बेबी ब्लॉगर, इंडिया का सबसे छोटा ब्लॉगर। हाँ, तो इसके बाद मैं नोनी के लिए खिचड़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे कुकर में घी गरम कर लिया था, हींग जीरे का तड़का इसमें लगाया है, थोड़े से लहसुन कूट के ऐड कर दिया था, प्याज नहीं डाला है, जल्दी जल्दी में बस टमाटर कट कट के ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया ऊपर से, और सॉल्ट ऐड करके इनको अच्छे से गला लूँगी। उसके बाद मैंने मूंग की दाल और राइस सोक करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दूँगी, और बस 3 सीटी में खिचड़ी बनके रेडी हो जाएगी। मैंने खिचड़ी बन गई है मूंग दाल की, और थोड़ा सा इसको पतला ही रखा है मैंने, घी और ये थोड़ा सा दही। इवनिंग शाम के 5:15 बज गए हैं, नोनी अभी सो ही रहा है आराम से, वो सो गया था 2:45 के आसपास, मतलब वो 2:30 सो गया था और अभी भी वो सो ही रहा है। काफ़ी देर से जगी हुई हूँ, मतलब 1-2 घंटे से मैं फ्री बैठी थी, वीडियो की एडिटिंग की और मैंने डिनर की भी तैयारी की है, सब्जी वगैरह चॉप कर ली है और मैं बनाऊँगी, अभी मेन्यू आपको बताऊँगी, सब्जी वगैरह चॉप कर ली, खाने की तैयारी कर ली, लेकिन उन्होंने अभी उठानी है तो मैं वेट कर रही थी, जैसे वो उठे उसके पास फ्रूट्स वगैरह खिलाऊँगी। वो जब सोए रहता है ना फिर अच्छा नहीं लगता वो, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक सोता है तो लगता है कब उठे, उसके बिना फिर मन नहीं लगता, खाली खाली से लगता है मैं बोर हो जाती हूँ, और जब वो सोता नहीं है और मुझे सोने को नहीं मिलता है तो मुझे लगता है काश ये जल्दी सो जाए, इसको जल्दी नहीं जाता है, सो क्यों नहीं रहा है। वो उठने वाला होगा और ये वाला डोर क्लोज है। यहाँ पे चलते हैं किचन में, मैंने तैयारी करके रखी हुई है सब्ज़ी के लिए, यहाँ पे टमाटर वगैरह कट कर दिए क्योंकि बिना लहसुन प्याज का बनेगा, टमाटर और अदरक चॉप करके, और उसके अलावा आलू कट कर दिए हैं, गोभी को मैंने बॉईल करके निकाल दिया है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी एकदम सूखी वाली, राइस मैंने सूख कर दिए हैं और वो बनाऊंगी चावल की खीर, और उसके अलावा मैंने खीरा ग्रेट कर दिया है तो खीरे का रायता भी बनाऊंगी मैं, और साथ में पूरियां। रात के दिन इस तरह का मेन्यू होना बहुत मज़ा आता है खाने में, और हस्बैंड का फेवरेट है खीरे का रायता, वो स्पेशली बोल के गए हैं कि खीरे का रायता बनाना आज, तो बहुत दिन से मैंने बनाया भी नहीं तो इसलिए खीरे का रायता। और ये जो फूल गोभी है ना इसमें छोटे छोटे कीड़े थे कई सारे, मुझे फिर बहुत मुश्किल से कट करके अच्छे से बहुत अच्छे से छान के मैंने कट किया, और वैसे भी फूल गोभी में बहुत कम लाती हूँ आजकल, मतलब 1-2 महीने से हम लाए ही नहीं है फूल गोभी, आज व्रत था इसलिए मैं सोचा अच्छी सब्ज़ी कुछ बना लेते हैं तो इसलिए फूल गोभी ले आए। तो अब वैसे भी ना उसका सीज़न जाने वाला है, सीज़न ख़त्म होने वाला है तो इस टाइम पर फिर थोड़े कीड़े वीड़े आ ही जाते हैं, तो इसीलिए छोटी सी लेके आई थी, सब मैंने यहाँ पे कट कर दिया, थोड़ी सी और बची हुई है। तो इसके बाद नोनी उठ गया था, उस टाइम पे वो बहुत अच्छे मूड में था और बाहर आके शांति से बैठा, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसका मूड अचानक ख़राब हो गया,
उसको बिस्किट खाने का मन हुआ, फिर मैंने उसको दिया, फिर अचानक उसने बिस्किट मतलब डिनाई कर दिया, फिर उसने सारे बिस्किट फेंक दिए और फिर मैंने भी गुस्सा कर लिया। और कभी कभी नोनी बहुत ज़्यादा वो करता है, तो बस यहाँ पे वो बैठ के रो रहा था और थोड़ा सा, फिर जब वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाता है या क्रैंकी होता है, मैं उसको थोड़ी देर अकेले छोड़ देती हूँ। तो फ़िलहाल मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पे अपना खाने पीने की तैयारी कर शुरू करूँगी। सबसे पहले दही मैंने फेंट ली थी और ये सारी दही घर में जमाई हुई है, इसमें मैंने खीरा कद्दूकस करके ऐड कर दिया है, इसका सारा पानी स्क्वीज़ कर दिया है और फिर ऐड करूँगी। और नोनी को आप देखिए, यहाँ पे उसका मूड सेटल होने लगा था, वापस मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहा था लेकिन वो आ नहीं पा रहा था बेचारा। तो उसको देख देख के ना कभी हंसी भी आती, मतलब इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था, तो मैंने क्लिप ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। कभी कभी होता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर भी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं उसको अकेले छोड़ देती हूँ जब वो बहुत ज़्यादा ओवर टेंट्रम दिखाता है इस वजह से। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा पहाड़ी रायता है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये। इसमें मैंने सबसे पहले खीरा कद्दूकस करके डाला और उसके बाद मैंने इसमें जो राई होती है उसको पीस के उसका पाउडर बनाया था, साथ में हरी मिर्च कूट के डाली थी और मसालों में हल्दी पड़ती है इसमें, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है। और बस इसमें ऊपर से खूब सारा हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर दीजिए। हमारा पहाड़ी रायता बनके तैयार है, बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी बनता है। और इसके बाद मेरा चाय का टाइम हो गया था क्योंकि एनर्जी लेवल एकदम लो हो गया था, बहुत टाइम मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने आई थिंक करवा चौथ के बाद मैंने फास्ट रखा है आज। और फिर आजकल इतना फास्ट रखने की हैबिट नहीं है, वीकनेस हो जाती है, और मैंने सुबह सिर्फ एक बनाना खाया था। तो मैंने यहाँ पे घी में मखाने फ्राई करके निकाल लिए हैं और साथ में चाय बना लूँगी। नोनी को तो मखाने बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो सिर्फ मैंने चाय मखाने खाए थे। तो चलिए इसके बाद जल्दी से डिनर बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मुझे काफ़ी लेट हो गया था आज सब्ज़ी वगैरह बनाने में, और भी बहुत सारी तैयारी करनी थी मुझे। तो उस टाइम तक मिस्टर रावत आ गए थे वैसे, तो मैं फटाफट अब खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, वो नोनी को देख लेंगे। तो आलू और गोभी की सब्ज़ी सबसे पहले बनाऊँगी। यहाँ पे काफ़ी सारा ऑयल लिया था और इसमें आलू गोभी को फ्राई करना है, और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, 10 से 15 मिनट या फिर आई थिंक उससे ज़्यादा ही मैंने उसको फ्राई किया था, एकदम लो फ्लेम पर, कवर नहीं किया था, बस ऐसे ही इसको फ्राई करना है, बीच बीच में चलाते रहना है ताकि उसमें अच्छा सा क्रंच आए। तो एक तरफ सब्ज़ी फ्राई हो रही है, दूसरी तरफ मैंने मिस्टर राउत के लिए चाय बना दी थी, और यहाँ पे वो मेरी हेल्प भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे काम थे, तैयारी करनी थी और इनको ना भूख लगी थी, तो बस यहाँ पे जल्दी करो कह रहे थे। तो बस यहाँ पे जल्दी तैयारी करेंगे, आटा ख़त्म हो गया था, कंटेनर में फिल करेंगे, और नोनी हेल्प ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा आटा बच गया था, वो उन्होंने फूड क्लिप लगा के रख दिया है, और इसके बाद फिर मैं आटा भी निकाल लूँगी, आटा गूंथना है मुझे पूरी के लिए। 7 बजने वाले हैं और हस्बैंड करीबन आधे घंटे पहले ही ऑफिस से आ गए थे, नोनी उनके साथ गया है, एक्चुअली वो पानी लेने गए थे वाटर कैन हमारा, क्योंकि शाम को ही गाड़ी आती है, तो वाटर कैन लेने गए थे, नोनी उनके पीछे पीछे चला गया मुझे लॉलीपॉप दिलाओ करके, तो वो शॉप में लेके गए उसको। यहाँ पे आलू और वो गोभी फ्राई हुई है और मुझे खीर भी बनानी है, तो उसके लिए मैंने ये दूध जो है मंगा लिया था, क्योंकि जो दूध हमने लगाया वो नोनी को देती हूँ मैं, और उसके अलावा दही भी जमाती थी इसलिए एक्स्ट्रा मंगा लिया था। और इस टाइम तक मेरा खाना बन जाता है वैसे, लेकिन अभी तक मैंने आटा भी नहीं गूंदा क्योंकि पानी खत्म हो गया था, और हम लोग एक्स्ट्रा छोटी छोटी बिस्लेरी की बोतल्स लेके रखते हैं एमरजेंसी में, तो वो भी अब ख़त्म ही हो गई, तो इसलिए फिर वो पानी लेके आए। अब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, उसके बाद फिर पूजा भी करनी है। तो यहाँ पे आलू और गोभी जो है फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, और ये हाफ कुक भी हो चुके हैं, मतलब बहुत टाइम लगा इस बीच, मैंने काफ़ी सारे काम भी निपटा लिए थे, थोड़े बर्तन वगैरह थे वो भी वॉश कर लिए थे, अब जाके फिर ये हो पाया है। तो उसके बाद सेम कढ़ाई में ऑयल ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, सबसे पहले तेज पत्ता ऐड करूँगी और हींग जीरे का इसमें तड़का जाएगा, और बस यहाँ पर इसके बाद मैं टमाटर और अदरक का प्योरी इसमें ऐड कर लूँगी, क्योंकि लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं, सिर्फ टमाटर अदरक की प्योरी डाल के इसको पकाना है, साथ में नमक और मसाले, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट ऐड करके मैं इसको ढक के पकाऊँगी 8-10 मिनट के लिए, और जब तक ये टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते और ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट नहीं हो जाता है, तो बस मैं इसको कवर कर दूँगी। और दूसरी तरफ मिस्टर राव दूध लेके आए थे, फुल क्रीम मिल्क, तो इसको मैं रख दूँगी खीर बनने के लिए। यहाँ पर ना मैं भूल गई थी, घी में थोड़ा सा चावल फ्राई करने थे, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में पहले मैंने दूध बॉयल करने के लिए डाल दिया, फिर चावल डाल दिए थे। तो एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ मसाला तैयार हो गया था सब्ज़ी के लिए। इसके बाद मैं आलू और गोभी इसमें मिक्स कर दूंगी, और थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और पानी डाल के भी 2-4 मिनट पका लूँगी ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इस बीच यहाँ पे आटे की तैयारी कर लेंगे पूरी के लिए, थोड़ा सा कसूरी मेथी और अजवाइन मैंने डाला है, और काफ़ी सख्त डो बना के तैयार कर लूँगी, और इसको रख दूँगी 5-10 मिनट रेस्ट पे।
तो आटा हो गया था। इसके बाद सब्ज़ी देख लेते हैं। यहाँ पे आलू और गोभी काफ़ी अच्छे से गल गए थे और बहुत सॉफ़्ट हो गए थे। ये सब्ज़ी थोड़ा सा ना सूखी अच्छी लगती है, तो बस यहाँ पे पानी मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डाला। सबसे लास्ट में गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे और हरा धनिया डाल के गार्निश कर लेंगे। तो ये हमारी सुपर टेस्टी मसालेदार आलू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। नोनी बाहर पापा के साथ में है और दिया बत्ती हमने कर ली है, पूजा हो गई है और अब चलते हैं किचन में। मिस्टर राउत को, नोनी को काफ़ी ज़ोर से लग रही है भूख। तो आटा मैंने कवर करके रखा था, अभी इसका कवर इसमें लगाया है, तो खीर भी बन गई है। आज मैंने पतली पतली खीर बनाई है, दूध ज़्यादा डाल दिया। और ये आटा पूरी के लिए और सब्जी, ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, लव दिस सब्ज़ी, खासकर फेस्टिवल्स या व्रत के दिन। और ये है हमारा रायता। और इसके बाद मैं पूरियां बनाना स्टार्ट करूंगी। तो ऑयल गरम हो गया था, एक साइड में बेलते जाऊंगी, दूसरी तरफ पूरी फ्राई करते रहूंगी और बस जल्दी जल्दी गरम गरम पूरी निकाल के फिर उसके बाद हम अपना डिनर रेडी करेंगे। डिनर से पहले यही सारी चीज़ें मैं भोग में भी चढ़ा दूंगी, पूरी और थोड़ी सी खीर। तो जल्दी से यहाँ पर पूरी निकाल लेंगे। तो बस सारा खाना बन गया था और भगवान जी को भोग चढ़ाने के बाद हम अपनी डिनर थाली लगा लेंगे, व्रत वाली स्पेशल। तो मसालेदार आलू गोभी की सब्ज़ी, उसके साथ में टेस्टी सा रायता, थोड़ी सी चावल की खीर और गरम गरम पूरियां। ये हमारा सिंपल सा व्रत वाला खाना था। और हमारे यहाँ रोटी सब्ज़ी सारी चीज़ें खाई जाती हैं व्रत के दिन। तो ये हमारा सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी सा डिनर बच गया है। और मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है, सिर्फ दूध निकाल के रखा है बाहर। नौनी को दूध गर्म करके देना है अभी, बाकी सब हो गया। डिनर काफ़ी अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया, मतलब खा के ना फास्ट रखने के बाद अच्छा सा चटपटा खाना खाओ तो अच्छा लगता है। नौनी क्या कर रहे हो बेटा? एडिटिंग करनी है वीडियो की और दूध का थैला मैंने टांग दिया बाहर। आज काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ मैं, अब थोड़ा सा एडिटिंग करती हूँ, वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट करती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे भी था, तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ब्यूटीफुल वुमेंस। मैंने आज उसके ऊपर वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के भी डाला था, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना शॉर्ट। इसके बाद हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे ना हस्बैंड के टिफ़िन पैक कर रही थी मैं, तो कल का ही बहुत सारा खाना बचा हुआ था और ये सब्ज़ी हस्बैंड को बहुत पसंद है, रायता काफ़ी अच्छा लगा उनको, तो फिर मैंने सोचा टिफ़िन में यही पैक करके दे देते हैं। और वैसे भी मॉर्निंग में ना हम थोड़ा सा लेट उठे थे इस वजह से, तो मैंने बस पूरियाँ बनाई और सब्ज़ी रायता बना के पैक करके उनको टिफ़िन में दे दिया। और यहाँ पे मैं इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, तो ब्रेकफास्ट के लिए बन रहा है यहाँ पे आज पास्ता। तो नोनी के लिए तो मैंने दलिया बना के दे दिया था, वो हस्बैंड जो उसको खिला रहे हैं। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ पास्ता का मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो आजकल पास्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं रेगुलर बनाते रहती हूँ, तो बहुत दिन से खाया नहीं था इसलिए मैंने कहा आज पास्ता बनाते हैं। और व्रत के अगले दिन कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है ना और अच्छा लगता है, तो बस आज मैंने ये पास्ता बनाया ब्रेकफास्ट में। जल्दी से नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 5 बजने वाले हैं और आज मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट करने के बाद से कुछ भी शूट नहीं किया और घर के काम इतने हो रहे थे और मैंने जल्दी जल्दी एक वीडियो एडिट किया। एक वीडियो कल भी अपलोड किया था और एक वीडियो मैंने आज भी जल्दी एडिट करके अपलोड कर दिया, तो बस मेरा सारा टाइम उसी के साथ निकल गया। नोनी भी सो रहा है, नैप ले रहा है, अब जाती हूँ किचन में। नोनी के उठने का टाइम हो रहा है लेकिन जब वो लेट उठता है ना तो फिर मेरे काम भी लेट लेट होता है, फिर मैं उसको पार्क नहीं लेके जा पाती हूँ। देखती हूँ अब वो उठने वाला होगा थोड़ी देर में और उसके बाद फिर मुझे डिनर भी बनाना है, लेकिन आज घर में टमाटर नहीं है। मैंने हस्बैंड से बोला था टमाटर ला के दे दो मुझे मॉर्निंग में, तो वो कह रहे थे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, मैं शाम को ले आऊँगा। और मैं घर के काम में बिज़ी रह गई और फिर टमाटर लेने के लिए इतनी धूप में नोनी को शॉप में लेके जाना, फिर मैं नहीं गई। और ऑनलाइन तो ये रहता है ना कि वो जितने में टमाटर आता है उतना ही प्राइस आपको डिलीवरी चार्जेस का ले लेते हैं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती ये क्या दो चीज़ें। तो अभी जो है मुझे बिना टमाटर प्याज, मतलब बिना टमाटर की वो सब्ज़ी देखनी पड़ेगी सूखी सूखी। आज नहीं, आजकल ये मतलब सो ही रहा है, दिन में अच्छा खासा सो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है ये रात को नहीं सोता, फिर रात को बड़ा परेशान करता है। रात को ये हमें 10 चक्कर लगवा देगा, पानी लेके आओ पानी लेके आओ, फिर इसको 2-3 बार फिर इसको पी कर आने के लिए ले जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है।
नॉनी आजकल बड़ा परेशान कर रहा है और मुझे लगता है जानबूझ के करता है इसको। दिन में पानी से मतलब नहीं होता, या तो खाते टाइम पानी याद आएगा या तो फिर सोते टाइम पे पानी याद आएगा। सब्जी भी बन गई है और आटा भी गूंद लिया है, रायता भी बचा हुआ है, हम सब उसके साथ खा लेंगे। और क्या आ गई हूँ मैं, पहले चाय पीऊंगी और उसके बाद ये कपड़ों की गठरी जो है, गठरी नहीं है, कपड़े का, कपड़ों का ढेर कहेंगे इसका, इतने सारे ढेर सारे कपड़े, और इनको मुझे फोल्ड करना है। हमारे टावल ही इतने सारे हो जाते हैं, हम तीनों का अलग टावल है, उसके रोज इतने कपड़े हो जाते हैं फोल्ड करने वाले। तो हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 6:30-7 बजे के आसपास का। तो जो फोल्ड किए हुए कपड़े थे, हस्बैंड की शर्ट जो है उठा के ले आया था नोनी नीचे, उनके साथ उसके साथ खेल रहा था। और फिलहाल नोनी को अल्फ़ाबेट्स के साथ आजकल खेलना पसंद है, तो मैं उसको अल्फ़ाबेट्स थोड़े से लर्न करा रही हूँ। 8 बज गए हैं, रोटियाँ मैंने बना दी है, सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ मैं, और हम लोग अब डिनर कर लेते हैं और उसके बाद जो है मैं जल्दी से किचन समेटती हूँ। आज है सैटरडे, कल हस्बैंड का ऑफ है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छी सी मूवी शूवी देख लेते हैं आज बढ़िया सी। नोनी इधर आओ। नोनी पता नहीं क्या करता रहता है, गाड़ी के सामने घूमता ही है। और इसका पता नहीं इतनी एक्टिंग कहाँ से सीखी बेटा आपने, खाली खाली रोना सीखता है, मतलब रोना नहीं भी आ रहा होगा तभी। नोनी, तो हमारा सिंपल सा डिनर था, थोड़ा सा रायता बचा हुआ था कल का, तो उसी के साथ हमने खाना खा लिया था और नोनी को भी सब्ज़ी और रोटी खिला दी थी, थोड़ा सा रायता। और नोनी खाना खाते टाइम आप देख सकते हैं पानी की बोतल उसने पकड़ ली, और वो पानी की बोतल एक बार देख ले तो बस, अगर मैं ना भी दूँ ना तो वो ज़बरदस्ती पानी की बोतल या पानी का ग्लास मंगवा लेता है, और वो पानी ज़्यादा पीता है, खाना कम खाता है, खाना खाते टाइम बहुत ज़्यादा वो परेशान करता है आजकल। पता नहीं उसकी ये हैबिट कहाँ से लगी और कैसे इम्प्रूव होगी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है। नोनी के पापा नेट खोलेंगे आज और अकेले लगाएंगे। अकेले वैसे भी मैं ही लगाता हूँ, अकेले कोई आता नहीं हेल्प करने। अच्छा, मैं रोज लगाती हूँ, हेल्प करती हूँ रोज, आज आप लगा के दिखाओ। देख, नोनी और उसके पापा पैक हो जाएंगे मॉस्किटो नेट के अंदर और मैं देखूंगी थोड़ा सा टीवी। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।